शाहिद और मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ पोर्ट शॉप्स POS बिलिंग सॉफ्टवेयर, जिसके फीचर्स हैं आप अपने कस्टमर्स का डेटा मैनेज कर सकते हैं, अपने वेंडर्स का डेटा मैनेज कर सकते हैं, अपनी सेल्स मैनेज कर सकते हैं, परचेज स्टॉक इन्वेंट्री लेजर्स, किससे कितनी पेमेंट आ रही है, किसको कितनी पेमेंट आप कर रहे हैं, कैश बुक अपनी मैनेज कर सकते हैं, रोज़मर्रा के जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं, और रिपोर्ट्स जिसमें आपकी सेल्स परचेज स्टॉक इन्वेंट्री प्रॉफिट एंड लॉस तमाम रिपोर्ट्स आ जाते हैं। आइए चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। सबसे पहले हम आते हैं, ये आ गया हमारा लॉगिन स्क्रीन। इसमें आप देख सकते हैं कि एडमिन और इसके साथ ऑपरेटर है, कैशियर है और मजीद जितने भी यूज़र्स आप चाहें इसमें बना सकते हैं। यूज़र्स का मकसद ये होता है कि आप अगर एडमिन हैं और आप चाहते हैं कि आपका यूज़र के पास लिमिटेड परमिशन हो, लिमिटेड राइट्स हो, तो आप उसको वो राइट्स अलॉट कर सकते हैं। इसको मैं करता हूँ लॉगिन। ये आ गए हम हमारे मेन मेन्यू पे। सबसे पहले हम आते हैं ऐड न्यू आइटम्स। ये वो सेक्शन है जहाँ पे अपना सारा आप जो है वो आइटम ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक कैटेगरी बनाता हूँ स्पोर्ट्स के नाम से। स्पोर्ट्स के बाद मैं आ गया सब कैटेगरी में, मैंने बता दिया फॉर एग्जांपल ट्रेडमिल मशीन्स जो होती हैं, इसके अलावा मैंने बता दिया डंपल्स, इसके अलावा आप जितनी कैटेगरीज बनाना चाहते हैं रिलेटेड टू स्पोर्ट्स वो सब आप इसमें बना सकते हैं। अब ट्रेड मिल के अंदर मैंने बता दिया ट्रेड मिल जापानीज मॉडल नंबर ये एक्स वाई जेड, पूरा आइटम की डिटेल आ गई। परचेजिंग प्राइस आप यहाँ डाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल 20,000 इसकी परचेजिंग है और सेलिंग प्राइस आप डाल सकते हैं यहाँ पे 25,000 इसकी सेलिंग प्राइस है। रीऑर्डर आप लगा सकते हैं, अगर स्टॉक ख़त्म होने वाला होगा तो आपको सॉफ्टवेयर अलर्ट कर देगा कि आपका स्टॉक ख़त्म होने वाला है, अब आपको दोबारा से रीऑर्डर करना है। इसको मैंने कर दिया यहाँ पे सेव। सेव करने के बाद ये आइटम हमारे पास सेव हो गया। अब आप जितने आइटम ऐड करेंगे वो कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। इसके बाद हम आते हैं वेंडर सप्लायर्स। ये वो सेक्शन होगा जहाँ पे आप अपने तमाम वेंडर्स अकाउंट खोलेंगे जिनसे आप स्टॉक अपना ख़रीदते हैं। अब मैंने वेंडर बता दिया, फॉर एग्जाम्पल इमरान अली ट्रेडिंग एक वेंडर है हमारा, वो मैंने ऐड कर दिया, उसकी डिटेल ऐड कर देंगे आप। अब हम आते हैं परचेज बिल पर। अब मैंने बता दिया मैं किससे परचेज कर रहा हूँ, इमरान अली ट्रेडिंग से मैंने ख़रीद रहा हूँ। ये इसका प्रीवियस बैलेंस यहाँ पे शो हो जाएगा जो हम रिसीव पेएबल होंगे इनको। वेंडर इनवॉइस नंबर आप डाल सकते हैं यहाँ पे। अब मैंने आइटम सर्च किया ट्रेड मिल जापानीज मॉडल, ये मैंने उठा लिया। इसको आप क्वान्टिटी लिख देंगे कितनी क्वान्टिटी परचेज कर रहे हैं। मतलब दो मशीनें हम परचेज कर रहे हैं 20,000 के हिसाब से, 40,000 रुपये टोटल इसका बिल बन गया। अब आप अमाउंट पे कितनी कर रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, अमाउंट पेड का ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल आपने जो है वो एडवांस में 10,000 पे कर दिया अपने वेंडर को, 30,000 जो है वो इसके लेजर में चले जाएंगे। इसको मैंने यहाँ से प्रिंट कर दिया, ये एक परचेज बिल प्रिंट हो गया। अब या पार्टी को PDF करना चाहें PDF कर सकते हैं, या आप प्रिंट करके अपने फाइल में भी इसको अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाता है, आप प्रिंट PDF करते हैं या डायरेक्ट प्रिंट करते हैं, सारे ऑप्शन आपके पास, ये पूरा एक परचेज बिल आ जाता है। अब जब मैं अपने स्टॉक की रिपोर्ट में आता हूँ, रिपोर्ट्स में आ गया मैं इन्वेंट्री बैलेंसेस, इसको मैंने डिस्प्ले किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आइटम का नाम आ गया, क्वांटिटी इन बता रहा है इतनी क्वांटिटी आ चुकी है, आउट अभी तक ज़ीरो है क्योंकि हमने कोई चीज़ सेल नहीं की है और क्लोजिंग में दो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस पड़ा हुआ है। अगर आप पीरियड वाइज स्टॉक देखना चाहेंगे, लोकेशन वाइज देखना चाहेंगे तो आप यहाँ पर ईजीली देख सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं सेल बिल। सेल बिल में आने के बाद मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मैं ट्रेड में सेल कर रहा हूँ। अब कितनी क्वांटिटी में सेल कर रहा हूँ, एक क्वांटिटी सेल कर रहा हूँ। अगर कोई डिस्काउंट दे रहे हैं, 25,000 का बिल बना है डिस्काउंट दे रहे हैं, वो आप डिस्काउंट ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने बता दिया 25,000 रुपये रिसीव कर लिया, इसको मैंने प्रिंट किया, ये आपके एक सेल इनवॉइस प्रिंट हो जाएगी, ऊपर आपकी कंपनी का नाम लोगो सारी चीज़ें आपके पास आ जाएगी, ये पूरा एक इनवॉइस आपकी प्रिंट हो जाएगी। इसी के तहत जब स्टॉक में आऊँगा मैं, तो मेरा स्टॉक यहाँ पर आप देख सकते हैं दो क्वांटिटी हमने इन की थी, एक आउट हो गई, एक हमारे पास क्लोजिंग में रह गई। इसको मैंने डबल क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास सारी डिटेल जो है वो आ जाएगी कि दो क्वांटिटी हमने परचेज की हुई है, एक हमने सेल कर दी है और एक हमारे पास बैलेंस में मौजूद है। पीरियड वाइज मुझे अगर देखना है, मैं यहाँ से पीरियड वाइज भी निकाल सकता हूँ। अगर मुझे एक दिन का स्टॉक देखना है, एक महीने का स्टॉक देखना है, मैं वो भी देख सकता हूँ। इसी तरीके से मैं अगर आइटम वाइज प्रॉफिट एंड लॉस में आता हूँ तो मुझे यहाँ बता रहा है कि मेरे 5,000 रुपये का एक ट्रेड मिल पे प्रॉफिट हुआ है। अगर मैं यहाँ पे टोटल पूरे दिन का या पूरे महीने का प्रॉफिट निकालना चाहूँ तो मैं डेट वाइज यहाँ पे प्रॉफिट भी निकाल सकता हूँ, ये आप देख सकते हैं।
इसके साथ साथ आपके पास अकाउंट्स के लेजर्स हैं। अब मुझे देखना है कि मेरे वेंडर्स को कितनी पेमेंट मुझे देनी है इमरान अली ट्रेडिंग को। तो ये आप देख सकते हैं 40,000 का मेरा बिल था, 10,000 मैं पे कर चुका हूँ, 30,000 इसको मुझे मजीद देना है। इसको मैं प्रिंट आउट करके लेजर का, पार्टी का लेजर प्रिंट भी कर सकता हूँ। इसी तरह किसी भी चीज़ का लेजर निकालना है, कैश का, बैंक का, वो सब आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ टोटल कस्टमर बैलेंसेस की रिपोर्ट के साथ मार्केट में कितना मुझे रिसीवेबल है वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर क्रेडिट में कोई चीज़ सेल करते हैं, अभी कोई नहीं आ रहा क्योंकि हमने कैश सेल की है। इसी तरह वेंडर बैलेंसेस में तमाम वेंडर के बैलेंसेस आ जाएंगे। परचेज रिपोर्ट्स में आपकी तमाम परचेजिंग की रिपोर्ट आ जाएंगी कि आपने किस किस तारीख में किस किस वेंडर से कितना स्टॉक परचेज किया हुआ है, वो यहाँ पर सारा आ जाएगा। इसके अलावा स्टॉक का एक लेजर देखना है इंडिविजुअली, इनकम स्टेटमेंट देखनी है, ट्रायल बैलेंस देखना है, या आपको इसमें रोज़मर्रा के अपने एक्सपेंसेस ऐड करने हैं तो यहाँ पे आप डेली एक्सपेंसेस भी ऐड कर सकते हैं, जिसमें आपके सैलरीज ऐड करना है या कोई पार्टी को कोई और मजीद एक्सपेंसेस ऐड कर रहे हैं शॉप वगैरह के, वो सब ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा सॉफ्टवेयर पसंद आता है आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने अपना नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप का और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी, तो आज ही हमसे रब्ता कीजिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।